एसिडिक एसिड मतलब सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच। आप चाहो तो बेटा इसको पूरा खोल लो, एसिडिक एसिड और दूसरा क्या बोले बेटा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, एच टू सी ओ थ्री। एच टू सी ओ थ्री क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, एच सिंगल बॉन्ड ओ, एच एच टू सी ओ थ्री। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर बना लो ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बुरे बात हमारे पास है कार्बोनिक एसिड। H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसे ले लीजिए, दिख रहा आपको बीच में स्मॉल एसिडिक एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड स्मॉल एसिडिक देन बेटा बात करेंगे कार्बोनिक एसिड। रीजन क्या है बेटा, बोल जिसका कॉन्जुगेट बेस, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ज्यादा बुरे बात करें क्या होगा, एसिडिक होगा। तो एक छोटी सी बात है बुरे बात को उसको हमेशा दिमाग में बिठा लो। ठीक है, क्या लिखना है बेटा बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज, ये हम बात कर रहे हैं, हाँ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इस डायरेक्ट क्वेश्चन टू बात करें क्या, स्टेबिलिटी ऑफ देयर बेटा बात करें क्या, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस बनाओ पहले, और जिस एसिड की कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी बुरे बात करें वो एसिड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी स्ट्रेंथ नहीं ज्यादा होगी। तो यहां देखना बेटा स्ट्रेंथ, और यहां देखना है क्या आपको स्टेबिलिटी, किसके उसके कॉन्जुगेट बेस की, एसिड के कॉन्जुगेट बेस की। सबसे पहले बुरे बात करें, अगर मैंने कहा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब एसिड तो दोनों, तो दोनों अगर हैं तो दोनों में से हम क्या कर लेते हैं, एसिड क्या होता है जो H+ डोनेट करता है, H+ डोनेट कर रहा है मतलब प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, क्या डोनेट कर रहा है बेटा बात करें, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। ठीक, अगर प्रोटॉन डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, इसमें से H+ निकल गया, क्या बना, Ac3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां क्या बना बेटा बात करें बताओ, हो गया HOC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बेटा बात करके O नेगेटिव। ठीक, अच्छा इसका बुरे बात करें जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, जल्दी बोलो, ये कहलाएगा एसीटेटाइड, नाम ही अपन को आना चाहिए है ना, और बुरे बात की ये कहलाएगा बेटा बात में बाइकार्बोनेटाइड, ये कार्बनिक एसिड है H2CO3 तो ये कहलाएगा बाइकार्बोनेटाइड। आप हमेशा इनके नाम लिखने की कोशिश करो बाइकार्बोनेटाइड, और इसको मैंने क्या बोलते बेटा बात करें, जल्दी बोलो एसीटेटाइड, नोट पे कम फोकस करो, आंसर दे मतलब मेरे से एक स्टेप आगे बढ़ो आप, अगर मैंने वहां पढ़ा तो उससे आगे सोचो, मैं आपको दूंगा टाइम, मतलब लिख लेना, दो मिनट का टाइम बिल्कुल मिलेगा, अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो आप इसका बनाओ दिमाग में। ठीक है, जब तक इसको लिखूं उसके बारे में सोचो, तो बताओ कौन सा होगा, डेफिनेटली बुरी बात कर। अब यहां देखो तो यहां बेटा बात करें जो मेथिल है, मेथिल का क्या है, प्लस आई इफेक्ट, मेथिल का प्लस आई इफेक्ट है। अब आप इसको मत देखो बुरी बात कर इनको, क्योंकि देखो इसका तो इसके साथ रेजोनेंस है नहीं, ठीक है, इसका इसका ही रेजोनेंस, और यहां भी इसका रेजोनेंस है, तो अगर रेजोनेंस हुआ भी तो बुरी बात कर आपको अच्छे से पता है कितने बन रहे इसके, दो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कैसे बनने हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने, अगर बेटा बात करिए इधर गूंज जाए तो ये दीवार के इधर गूंज जाएगा, मतलब ये डबल बन जाएगा या नेगेटिव बन जाएगा, ऐसे बेटा बात करिए अगर इधर गूंज जाए तो पाई इधर आ जाएगा, मतलब नेगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा, बात समझ पाए। इसका दीदी बात करें प्लस आई इफेक्ट है तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ाएगा, लेकिन OH का बुरे बात करें अगर ऑक्सीजन है तो इसका क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट, तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा, नेगेटिव चार्ज कम करेगा तो अपन क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल सो मोर फॉर्म, मोर फॉर्म सो बुरे बात कर रहे मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव सो मोर ब्रेक, मोर ब्रेक सो मोर एसिडिक, अगर तुमने केवल माइनस आई देखा इसका तो क्वेश्चन यही सोचोगे आप। लेकिन आपको ये भी सोचना है, क्या सोचने के लिए बात सोचोगे,
जरूरी थोड़ी है बुरी बात करें कि ये नेगेटिव के साथ ही बुरी बात करें, ये बेटा बात करें, हमारा डबल बोर्ड क्या करे, रेजोनेंस करे। यहां पर फिक्स है कि इस नेगेटिव के साथ यदि बात करें यही करेगा रेजोनेंस, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहां बेटा बात को ऑप्शन के लोन पे भी तो बुरी बात करवाना कि जैसे ही यहां पर आएगा कूदने, वैसे दीदी बात करे ये ऑप्शन के लोन पे बोलेगा नहीं नहीं मुझे भी रेजोनेंस करना आपके साथ, किसके साथ, इसके साथ। अगर ये इधर कूदा तो सोचो बुरी बात करिए ऑप्शन इधर चला जाएगा, नहीं समझ पा रहे तो बुरी बात करें। आप इतना देखो, कितना देखना आपको बेटा बात करें कि ये जो OH है, एक तो इसका क्या है माइनस आई इफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है जो नेगेटिव कम करेगा, लेकिन उसके बाद क्या इसका प्लस आई इफेक्ट भी तो है। अगर ये ऑक्सीजन अपना बेटा बात कर लॉन्च करे, शिफ्ट कर दे, तो ऑक्सीजन भी पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है, पर एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन को मिला ना, जैसे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला वैसे इस कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन मुझे बात करें शिफ्ट कर दे, इसका मतलब इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो माइनस आई ठीक है लेकिन क्या है उससे ज्यादा क्या बेटा बात करें प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट की वजह से सोचो उन्हें बात करें कि इस डबल बॉन्ड के केवल इस नेगेटिव के साथ रेजोनेंस करने की चांस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, नहीं होंगे। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इस डबल बॉन्ड को इसके साथ बटना ही पड़ेगा। जैसे ही इधर कूदेगा ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, मतलब जो एक नेगेटिव है वो दो जगह बट रहा है, मतलब हर ऑप्शन के सेम है, 1/2 नेगेटिव आ रहा है। लेकिन आप यहाँ देखो उन्हें बात करें कि इस नेगेटिव के साथ इस डबल बॉन्ड के रेजोनेंस करने के चांस 50% है। अगर सोचो उन्हें बात करें इसके साथ ये रेजोनेंस करे ही ना, माने बुरे बात करें इस ऑक्सीजन के साथ बेटा बात की रेजोनेंस करें तो इस ऑक्सीजन के ऊपर लगातार माइनस बन रहेगा, अगर लगातार माइनस बन रहा तो क्या बोलोगे, मोर नेगेटिव चार्ज, सो लेस स्टेबल, सो लेस फॉर्म, लेस फॉर्म सो लेस रिएक्टिव, सो लेस ब्रेक, सो लेस एसिडिक। क्वेश्चन को समझ में आया? अगर अपन इसमें देखें तो इसमें बुरे बात करें ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो बट रहा है। अब आप बोलोगे बुरे बात करें किसका क्या है प्लस आई इफेक्ट भी तो है, प्लस आई इफेक्ट एंड इफेक्ट सामने क्या होता है, कुछ भी नहीं, मतलब प्लस इफेक्ट 1 है और मीजोमेरिक इफेक्ट 100 है, इतना डिफरेंस है। क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट में रेजोनेंस में 100% मतलब डीलोकलाइज होना है, कंप्लीट डीलोकेशन हो जा रहा है चार्ज, पाई बॉन्ड का कंप्लीट चार्ज आ रहा है, यहां कंप्लीट बटेगा, बटेगा नहीं बटेगा, अगर इधर आ जाएगा तो पूरा इसका चार्ज खत्म होकर इस पे आ जाएगा, इसका चार्ज खत्म हो गया ना। लेकिन यहां पर देखो बुरी बात करें इसके खत्म होने के चांसेस, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है उसके खत्म होने के चांस कितने हैं 50%, क्योंकि बुरे बात करें बताए 50% इस ऑक्सीजन का मीजोमेरिक इफेक्ट में पार्टिसिपेट करने का चांस बनेगा। सोचो बुरे बात करें जबकि यहां पर 100% है किसका ऑक्सीजन कम होगा, ऐसे हमें 50% है किसका ऑक्सीजन कम होगा, ना तो ऑक्सीजन का नेगेटिव कम होगा। अगर यहां पर फुल टाइम नेगेटिव है, ऐसा मान लो 50 times नेगेटिव है, यहां 50 times नेगेटिव है तो यहां बुरे बात करें 25 times नेगेटिव है, 25 times मतलब यहां पर नेगेटिव के चांस यहां से कम है, यहां पर नेगेटिव पर ऑक्सीजन पे क्या है कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है, और यहाँ पे कम है, यहाँ कम है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है रेजोनेंस फिक्स है, लेकिन इस ऑक्सीजन के रेजोनेंस पार्टिसिपेट करने के चांस कितने हैं 50% है। क्योंकि जैसे ही बुरी बात करी नेगेटिव यहाँ कूदा, लेकिन उसके पहले बुरी बात के ऑक्सीजन का लोन पे यहाँ कूद गया, समझ पा रहे, तो ये ऑक्सीजन का जो हमारे पास नेगेटिव वो यहाँ पहुंच जाएगा, तो इस ऑक्सीजन को क्या अब बताओ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने का टाइम मिला, अगर ये इधर कूद गया तो अब देखो ना ऐसा स्ट्रक्चर बना, कैसा स्ट्रक्चर बना, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा H O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और बुरे बात करें डबल यहाँ पॉजिटिव, सोच पा रहे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव आया कि नहीं आया, कि नहीं आया। ये जो तुमने कॉन्जुगेट बेस बनाया वो कैसे है मोर एसिडिक मोर दीदी बात कर लेस मतलब मोर स्टेबल लेस स्टेबल, लेस स्टेबल बस समझ पा रहे हो, जब लेस स्टेबल है तो इसका मतलब ये क्या होगा नहीं बनेगी, और जब नहीं बनेगी इसका मतलब ब्रेक नहीं होगा, इसका मतलब कैसा है ये लेस एसिडिक है। अगर मैं ये करने जाऊं तो भी उठा के देखो आप, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव तो अनस्टेबल, इसके ऊपर नेगेटिव तो अनस्टेबल, इसके ऊपर पॉजिटिव तो अनस्टेबल। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कभी अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता, नेगेटिव अच्छा लगता है, और जिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है वो नेगेटिव की वजह से भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, चार्ज अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, और यहां तीनों ऑक्सीजन आपने क्या कर दिए चार्ज के फॉर्म में कर दिए, मतलब इनकी स्टेबिलिटी क्या है बहुत बहुत कम है। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आपने देखा था ना कौन सा जल्दी बताओ बेटा बात करें, ये जो बनाया था आपने बेंजोइक एसिड का बनाया था, किससे कंपेयर कराया था, फॉर्मिक एसिड से, फॉर्मिक एसिड से कंपेयर कराया था कि नहीं कराया था, ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्मिक एसिड में तो ही था फॉर्मिडाइड, इसके लिए बात करें यहां पर जाएगा तो यहां पर जाएगा, इसके 100% चार्ज थे कि कम होगा चार्ज, लेकिन यहां पर पूरे बात कर क्या था कि जैसे ही इधर जाएगा वैसे इधर जाएगी, बस सही है, लेकिन ये भी तो इधर जा सकता था, तो भी इधर जा सकता था,
अगर सोचो पूरे बात करें इसके इधर आने से पहले अगर ये इधर शिफ्ट हो जाए इधर शिफ्ट हो जाए तो इसको रेजोनेंस की चांस ही खत्म हो गए, समझ पा रहे? मतलब इस नेगेटिव चार्ज को 100% ऑक्सीजन पर रहना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लेस नेगेटिव चार्ज और परऑक्सीजन एटम, यहाँ पूरे बात करें मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव मतलब मोर चार्ज मोर नेगेटिव चार्ज ऑन बेटा बात करें क्या पर एटम, तो मोर नेगेटिव चार्ज मतलब लेस स्टेबल, तो लेस स्टेबल मतलब लेस फॉर्म, मतलब ये बनेगा ही नहीं, समझ पा रहे? अगर नहीं बन रहा इसका ये मतलब ये किससे बनता था, बेंजोइक एसिड के टूटने से, जब ये स्टेबल ही नहीं है तो क्या बेंजोइक एसिड टूट के ये बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब ये अपने क्या कहा, मोर चार्ज तो लेस स्टेबल, लेस स्टेबल तो लेस फॉर्म, लेस फॉर्म मतलब जो आपका बेंजोइक एसिड है वो लेस ब्रेक मतलब लेस एसिडिक, क्वेश्चन को समझ में आया? और वही दीदी कांसेप्ट आपने यहां भी लगाया कि यहां बेटा बात करें इस ऑक्सीजन के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट इसके साथ करे तो ये जो ऑक्सीजन अगर नहीं चाहेगा तो क्या ये पार्टिसिपेट करेगा, ये बोलेगा नहीं मुझे इस ऑक्सीजन को लेना ही नहीं है, तो क्या बेचारा इसका नेगेटिव कब हो पाएगा, वो तो ये ऑक्सीजन चाहता है कि भाई अगर मैं पाई ले लूं तो आपके पास अब चांसेस कार्ड पे आ गया पॉजिटिव, आप अपना इलेक्ट्रॉन को दे सकते हो, ठीक है, तो आपका नेगेटिव खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां दीदी बात कर बता इस ऑक्सीजन के साथ कोई और कॉम्पिटिशन है ही नहीं, समझ पा रहे? तो इसका मतलब इसको ये जैसे नेगेटिव देगा यहां शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पर इस डबल बॉन्ड के साथ है इधर से ऑक्सीजन का नेगेटिव और इधर से बेंजीन का पाई बॉन्ड, तो इस पूरे बात करें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इसके साथ रेजोनेंस करने की चांस 50% है, और यहां जिस डबल बॉन्ड के इसके साथ रेजोनेंस करने की चांस 100% है, तो यहां चार्ज पर ऑक्सीजन पे एटम पे कम होना ही है, और यहां पे दीदी बात करें होना ही है ये अपन फिक्स नहीं कह सकते, समझ में आ रहा है? यही चार्ज तो यहां पर हो रहा था, यहां पर देखो फिक्स रेजोनेंस है, लेकिन यहां बेटा फिक्स रेजोनेंस नहीं है कि इस ऑक्सीजन के साथ ही बेटा डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, ऐसे कौन से चांस है? इस ऑक्सीजन का मन है क्या पता उसको डबल बॉन्ड मतलब लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करना है, अगर लोन पेयर के साथ करेगा तो आप बैठे ही रहो, इस ऑप्शन को ही 100% टाइम पूरे बात का नेगेटिव चार्ज को कैरी करना पड़ेगा, और नेगेटिव चार्ज ऑन पूरे बात करें क्या पर एटम मतलब मोर नेगेटिव चार्ज है, मोर नेगेटिव चार्ज पर एटम लेस स्टेबल, लेस स्टेबल मतलब लेस फॉर्म, लेस फॉर्म मतलब लेस ब्रेक, समझ पा रहे? लेस ब्रेक मतलब लेस स्टेबल, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक चीज को आप दीदी बात कर रहे हैं हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, हर चीजें हर एसिडिक स्ट्रेंथ अलग अलग रीजन से क्या होती है एक्सप्लेन होती है, अभी कुछ समझ में आ रहा है कैसे करना है, यहाँ पर चांस को देखना है, ठीक है? तो अपन ने क्या बोला बेटा बात करें, यहाँ क्या है नेगेटिव चार्ज कम है कि ज्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम है कि ज्यादा है ना, अभी तो बताया तुम्हें कि अगर बेटा बात करें ये धारा तो अच्छी बात है चलो, लेकिन बुढ़े बात करें इस डबल बॉन्ड के साथ ये भी तो घूम सकता है, अगर इस ऑप्शन का लोन पर घूम गया ना तो बुढ़े बात करें फिर डबल बॉन्ड को इसके साथ रेजोनेंस करना पड़ेगा, तो फिर ये नेगेटिव इसके ऊपर ही रहेगा, बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब इसका नेगेटिव चार्ज कम नहीं होगा, तो अपन क्या बोलेंगे मोर नेगेटिव चार्ज, क्या बोलोगे बेटा बात करें मोर नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर ऑन पूरे बात करें पर ऑक्सीजन एटम पूरे बात करें, सो बेटा बात करें क्या लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस less stable conjugate base, less stable conjugate base, less stable conjugate base, इसका मतलब बात कर क्या होगा less form, कैसा होगा less form, अगर ये less form है, इसका मतलब ये क्या है less break, क्या देखेंगे बेटा बात कर less break, less break मतलब बेटा बात कर कैसा है, जल्दी बोलो बेटा बात कर less acidic, जब टूट ही नहीं रहा तो इसका मतलब बेटा बात कर क्या बोल सकते हैं बेटा बात कर donate minimum, बेटा बात कर क्या amount of H plus, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है less acidic, नहीं समझी less acidic, अगर चार्ज मिनिमम नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है मोर फॉर्म, क्या होगा बेटा बात करें मोर फॉर्म, अगर मोर फॉर्म हो रहा है इसका मतलब क्या है मोर ब्रेक, क्या लिख सकते हो मोर ब्रेक, मोर ब्रेक मतलब मोर एसिडिक, क्या बोल सकते हो मोर एसिडिक, समझ पा रहे हो मोर एसिडिक, नहीं समझे, ऊपर वाला क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता मतलब इसके ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाता तो ये भी समझ में आ जाता, ठीक है, नोट कर उसको।